जब भी मुझे साइकिल की सर्विसिंग की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं सात सेक्टर साइकिल वर्क्स यहीं आता हूँ। अभी यहीं आया था तो मैं क्या आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेता हूँ। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद देयर सर्विस और ये देखिए साइकिल्स की सर्विस कर रहे हैं। और ये है साइकिल वर्क्स, ये डिफरेंट ब्रांड्स की साइकिल्स हैं ऑफ ईयर फॉर योर रिक्वायरमेंट एंड एक्सेसरीज आल्सो। और इनके ओनर हैं विक्रांत शर्मा, वो खाली ओनर ही नहीं है, ट्रू मायने में साइकिलिस्ट है, ही इज़ नॉट बिजनेस मैन, ही इज़ साइकिलिस्ट। तो उन्हीं से बात करते हैं सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? आपको तो मैं टाइम टू टाइम तंग करता रहता हूँ, तो मैं क्या अपने फ्रेंड सर्कल में भी बता दिया जाए। तो बेसिकली सर साइकिल वर्क्स के बारे में बताइए, आपका तो पता ही है चंडीगढ़ का नाम, आप कभी श्रीनगर कभी MP कभी पूरे इंडिया पैन इंडिया रोशन रोशन करते रहते हैं। वापस हम जा रहे हैं श्रीनगर अभी। ओके सर, चंडीगढ़ से ही हम लोग हैं। हाँ जी, दो जने हैं हम लोग। हाँ जी, ये जो 22 वाला इवेंट है सर। हाँ जी, J&K टूरिज्म का। ओके सर, सो वहाँ पर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट सर। तो आप सर को बिजनेस मैन नहीं, यू कैन से ही इज मोर साइक्लिस्ट देन बिजनेस मैन, मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज आउट ऑन वन और अनदर एक्सपीडिशंस, और चंडीगढ़ का नाम रोशन करते रहते हैं। तो सर ये दूसरा, मेरे ख्याल मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा ये साइकिलिंग कैफे, साइकिलिस्ट कैफे, क्योंकि बुलेट कैफे तो मैंने काफ़ी देखे हैं, बाइक कैफे काफ़ी देखे हैं, आई सीन दिस फर्स्ट टाइम। सो फर्स्ट टाइम लाइक इस बाइकर कैफेज, यू नो सारे तरह के कैफेज हैं, साइकिलिस्ट तो मतलब वी आर द वन हु एक्चुअली डूइंग, वी आर गिविंग समथिंग बैक टू द नेचर। या राइट, हम रिसोर्सेज सेव कर रहे हैं, हम लोग फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वी आर कम्प्लीटली चेंजिंग अ लाइफ स्टाइल सर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, कोविड एंड कितनी सारी बीमारियाँ ऑलरेडी यंग जनरेशन को लग रही है, द ओनली रीजन इज अवर बैड लाइफ स्टाइल। साइकिलिंग इज समथिंग विच शुड बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ स्टाइल बिकॉज देर आर मेनी बेनिफिट्स टू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन पैडल टू द डिस्टेंस नो बार, यू कैन एक्सप्लोर द नेचर, है ना। वेरी ट्रू, आप कहीं भी जाओगे तो आप गाड़ी से जाओ साइकिल से जाओ आपको फर्क नजर आ जाएगा उससे, क्योंकि साइकिल पर आप धीरे धीरे चलाओगे पहाड़ी एरिया में, आप जो ब्यूटी में एक्सपीरियंस करोगे वो डिफरेंट लेवल पे होगा। Secondly, we are saving resources, natural resources like definitely. Fuel and all. So that is something which is like we are giving something back to the society, society itself. To the society, right? Yeah. So that is why, I mean, we thought ke, why don't have such kind of a place for the cyclist who is doing so much of effort, right? Yeah. But then we humne socha ki cyclist cafe kya naam de, socha ki naam to bilkul simple hona chahiye, cyclist cafe. Yeah. Aur koi fancy naam kyun karna hai? Haan, simple cyclist cafe. वहाँ से फिर साइकिल कैफे आया और आज हमें 2 साल हो गए हैं इस कैफे को रन करते हुए। गुड एक्सपीरियंस। और सर क्या कर रहे हैं मैडम? हाँ, मैम से भी बात करते हैं पहले। आप हाँ जी, क्योंकि आप तो मोस्टली किसी ना किसी एक्सपीडिशन पे बाहर ही होते हैं। हाँ जी, तो और आपके पास साइकिल्स के कौन कौन से ब्रांड हैं? हमारे पास यूनाइटेड है, फिट ट्रिप है, सो जो मेरे पास ब्रांड्स हैं वो एक्चुअली दोज आर काइंड ऑफ अ मिड सेगमेंट, राइट? तो एक जो ब्रांड जैसे आपने ट्रैक का नाम सुना होगा, ट्रैक इज सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जैसा ट्रैक में है, वो आपको हम लोग कट करते हैं हाफ रेट में, जो है ब्रांड है वो हमने रखे हुए हैं, पॉकेट फ्रेंडली क्योंकि हमें वी आर नॉट हियर साइकिल जो बिजनेस, तो एक चलो एक किराए पर निकलता रहे वो तो डेट इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? बट हम लोग नॉट हियर फॉर द मनी मेकिंग माइंड, तो हमारा पर्पज यही है कि जो चाहिए जिस लेवल पर चाहिए उस लेवल पे वी प्रोवाइड दैट साइकिल। सर दैट आई हैव सीन एंड ऑब्जर्व फॉर लास्ट 7-8 मंथ, you are not businessman, you are truly cyclist. yeah so that is why I mean we are keeping the brand which are like low range and then good quality products, and Shimano ka hamare paas dealership hai ye already sir, so there is no compromise on the product level at all, aur hum log service ke liye jab zyada jaane jaate hain, and main to 7-8 mahine se aapko tang kar hi raha hu sir, tang kar rahe to it's a job, and hamare paas
छोटे छोटे साइकिल से लेकर बड़ी से बड़ी साइकिल तक सारी सर्विस होने यहाँ आती है। अभी हमने रिसेंटली बाइक फिट स्टार्ट किया है गुड़गांव के अंदर, और मेरे ख्याल और मेरे सर विश यू चेन ऑफ कंपनीज ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल साइक्लिस्ट लाइक यू, है ना। तो ऐसे कहना चाहिए फुल आप तो यू आर गिविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू द नेचर बैक, सो एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल आप ही का है सर साइकिल वर्क्स ही है जो जो बाहर से साइकिलिस्ट आते हैं उनको साइकिल प्रोवाइड करते हैं। आई डोंट थिंक इन ट्राई सिटी में और कोई साइकिल प्रोवाइड कर रहे हैं, और जिस लेवल की साइकिल चाहिए उस लेवल की साइकिल हम प्रोवाइड करते हैं। और मेरी 134 सेंचुरी में मैं तो कहूँगा कम से कम 20-25 का क्रेडिट आपको जाता है। जब भी मेरी साइकिल स्टकअप हुई है मैं आपके यहाँ साइकिल छोड़ के आपकी साइकिल लेके सेंचुरी पूरी करने निकल जाता हूँ, तो इट्स तो इसका क्रेडिट मैं एटलीस्ट 25-30 सेंचुरी का क्रेडिट आप ही को है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज देयर विद अस, एंड आप जैसे लोग हैं सर जो हमें मोटिवेट करते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ही हम लोग जो है और अच्छा कर पा रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ आप भी कीप कंटिन्यूइंग विद योर साइकिल। डेफिनेटली सर, विद योर सपोर्ट सर, आई एम विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, आप प्लीज़ आते रहिए इट्स योर ओन कैफे। अब मैम से बात करते हैं। वेरी ब्यूटीफुली डेकोरेटेड देखिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। आपको तो तंग करते ही रहते हैं क्योंकि सर तो ज़्यादातर एक्सपीडिशन में भारी होते हैं, आप ही एंटरटेन करते हैं सभी। वो फिर अपना साइकिलिंग में कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। डेफिनेटली मैं वही तो कहता हूँ कि सर बिजनेसमैन नहीं सर ट्रू साइकिलिस्ट हैं। तो पहले साइकिलिस्ट थे, उसी चीज़ को उन्होंने पैशन में सोच के फिर ये सारा। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम। और मैं देखता हूँ कि सर बेसिकली यंग जनरेशन को साथ लेके निकले रहते हैं, तो उनको एडिक्टेड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट से टू नेक्स्ट जनरेशन हमारी सोसाइटी को बहुत कुछ वापस देने वाली है। सर सही बात है, अदरवाइज हमारी जनरेशन में क्या चल रहा है कि कार्स ठीक है, मॉम्स गिफ्ट डैड गिफ्ट लिखा रहता है कारों के पीछे। आगे क्या होता था, बच्चे साइकिल्स पे स्कूल जाते थे एटलीस्ट। डेफिनेटली तो वो भी बसेस लग गई है। हाँ जी हाँ जी। उनको हेल्थ वाइज प्रमोट करना कि आप हेल्दी भी रहो। हाँ जी। और नेचर के लिए भी जो चीज़ अच्छी हो, तो इससे बेस्ट भी खोल। हाँ जी। थैंक्स अलॉट मैम। और कुछ अपना स्टोर के बारे में बताइए कि मेनली तो आप ही स्टोर को देखते हैं। सर हमारा स्टोर इट्स लाइक एक्सपीरियंस सेंटर आप बोल सकते हो, जिसमें साइकिल से रिलेटेड फूड से रिलेटेड आपको साइकिलिस्ट को उसके बाद क्या हेल्दी खाना है उसके लिए भी हमारे पास है, ठीक है। आपको कैसी सर्विस चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए, अगर आपको साइकिल बाय करनी है यू आर नॉट श्योर कि आप करोगे कि नहीं करोगे, उसके लिए आप एक दो दिन के लिए रेंट पे ले जाओ, ट्राई करो, उसके बाद साइकिल बाय करो, ठीक है। आपको ग्रुप के साथ साइकिलिंग करनी है उस चीज़ में हम हेल्पफुल हैं, आपको बैठ के जस्ट यू वॉन्ट टू सी कि क्या चीज़ कैसे है उस चीज़ के लिए, मतलब इट्स काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। और मैम मैं तो आपने देखा ही है नंबर ऑफ टाइम आई ट्रीट घर से निकलो सेकंड होम ही ट्रीट करता हूँ, काफ़ी टाइम मैं यहाँ पे बीच में अपनी सेंचुरीज के बीच में रेस्ट भी लेता रहता हूँ आपके यहाँ आके। तो आपको इतना मतलब लोगों को भी बोलते हैं कि आप मतलब इतना डेली 100+ किलोमीटर करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क, और उसके साथ अपना कैंप भी मैनेज कर रहे हो, अपना घर भी मैनेज कर रहे हो। जी मैम। मैं वही जैसे सर को बोल के बैठा हूँ कि मेरी आज 134 सेंचुरी होगी, तो उसमें कम से कम 30 सेंचुरीज का क्रेडिट आपको जाता है मैम। हाँ जी मैम, 100 थी मैंने सेंचुरी यहीं की थी और यहीं सेव की थी। और वैसे भी मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सर को बताया कि 134 में से कम 30 सेंचुरीज आपकी साइकिल से ही हुई है कि मेरी साइकिल। देखो आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, ऑब्वियसली जब आपका बड़ी जल्दी आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड कंप्लीट होएगा, है ना, एक रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, तो हमारा भी इसमें छोटा सा पार्ट नहीं मैम, छोटा नहीं मैम बहुत बड़ा पार्ट होगा। मेरा दो ही मिशन है मैम, एक तो गिनीज में नाम लिखवाना, सेकंड ही मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी को कुछ वापस करूँ, और मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साइकिल पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि वो नेचर के करीब आए। मैंने एक वाक्य बनाया हुआ है कि जो साइकिल पर नहीं बैठा उसने लाइफ साइकिल वेस्ट किया है। सही बात है सर, देखो आपको देख के कितने लोग हाँ मतलब आप रास्ते में मिलते हैं, आपको देखो सारी दुनिया से जानती होगी जो हाँ आपके रूट्स है। हाँ जी ठीक है, आप डेली अपने घर पे पहुंचते हो, फैमिली को टाइम देते हो, सब करते हो, तो इट्स लाइक अ वेरी बिग थिंग, लोग इंस्पायर तो होते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक्स अ लॉट। ओके मैम।